तो हम आ गए हैं आज टाटा के शोरूम पे और मेरे पीछे खड़ी है टाटा कर्व डीजल का टॉप वेरिएंट जिसकी एक्स शोरूम कीमत है 17,70,000 के आसपास और ऑन रोड दिल्ली में इसकी प्राइस आ जाती है 21 लाख के आसपास। आपकी सिटी में ऑन रोड प्राइस वेरी कर सकता है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसमें हमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है जो 116 BHP की पावर जनरेट करता है और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे पियानो ब्लैक और सिल्वर फिनिश में हमें ग्रिल मिल जाए और नीचे भी पियानो ब्लैक और सिल्वर फिनिशिंग दी गई है। काफ़ी अच्छी इसकी ग्रिल लगती है। दो पार्किंग सेंसर हमें मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें फ्रंट कैमरा मिल जाता है 360° कैमरा सेटअप के लिए। टाटा का बड़ा सा लोगो यहाँ पे मिल जाता है और पूरी कनेक्टेड हमें DRL मिल जाती है और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं और आपको फोग लैम्प भी LED में यहाँ पे मिल जाते हैं। एयर वेंट यहाँ पे दिया गया है फॉर एरोडायनेमिक पर्पस। चलिए इसका टायर चेक कर लेते हैं। इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं ड्यूअल शेड में। इसका साइज आपको मिल जाता है 215/55 R18। सो 18 इंच के टायर मिल जाते हैं जो कि इस कार पे काफी अच्छे लगते हैं। पियानो ब्लैक क्लैडिंग यहाँ पे मिल जाती है जो स्टार्ट से एंड तक जाती है, आप देख सकते हैं। कार की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। इसके ORVM भी पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पे साइड कैमरा मिल जाता है और 360° कैमरा सेटअप। रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है इस कार में और यहाँ पे ये इल्यूमिनेशन दी गई है जो कि इसको ओपन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। पता नहीं आप वीडियो में देख पा रहे हैं या नहीं। और इसके नीचे हमें की होल मिल जाता है। यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश मिल जाती है एंड तक और ए पिलर बी पिलर सारे मैट ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। 44 लीटर्स का इसमें फ्यूल टैंक आ जाता है और इसकी क्लेम्ड माइलेज अराउंड 17 KMPL के आसपास, बट वो चेक करनी पड़ेगी रियल लाइफ में कितना मिलता है। टॉप में हमें शार्पिन एंटीना मिल जाता है और पियानो ब्लैक फिनिश में इसकी रूफ दी गई है और ये स्पॉइलर भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। रियर डिफोगर हमें मिल जाता है, इसमें वाइपर एंड वॉशर का ऑप्शन नहीं है। पीछे भी कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाती है, टाटा का लोगो और टाटा के लोगो के जस्ट नीचे बैक कैमरा मिल जाता है हमें इस कार का और दो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं पीछे भी पियानो ब्लैक फिनिश और नीचे कुछ सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक ओपनिंग के साथ इसका टेलगेट मिल जाता है, यू जस्ट प्रेस द बटन एंड इट विल ओपन। यहाँ पे पार्सल ट्रे मिल जाती है हमें और 500 लीटर्स में इसमें बूट स्पेस दिया गया है। स्प्लिट में आपको रियर सीट्स मिल जाती है 60-40 स्प्लिट में। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज की नीड है आप उनको फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, हेलोजन लैंप मिल जाता है एक, यहाँ पे हिडन स्टोरेज स्पेस कुछ दिया गया है दोनों ही साइड और कुछ हुक्स मिल जाते हैं और यहाँ JBL का एक सब वूफर मिल जाता है आपके बूट में। स्पेयर टायर इसका चेक कर लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया हमें 16 इंच में ये दिया गया है स्पेयर टायर और यहाँ पे टूल किट भी प्रोवाइड की गई है। अगेन इसको क्लोज करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना है एंड इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। बंद होने पे भी ये काफ़ी अच्छी एनिमेशन आती है। कार की कीज़ अब चेक कर लेते हैं। पियानो ब्लैक और ये सिल्वर फिनिश में इसकी कीज़ दी गई हैं जिसपे लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प और टेल ओपनिंग का ऑप्शन हमें मिल जाता है। चलिए अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे और इसको चेक कर लेते हैं। ये हिडन डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। पहले इसका ORVM चेक करते हैं। यहाँ पे हमें लाइट मिल जाती है जो आपके ब्लाइंड स्पॉट को डिटेक्ट करने का काम करती है। अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई कार है
तो ये इल्यूमिनेट हो जाएगी और ORVM का साइज भी काफ़ी अच्छा है। चलिए करते हैं डोर को ओपन, कार के अंदर बैठ के चेक करते हैं। काफ़ी वाइड ये इसका डोर ओपन हो जाता है, तो इंग्रेस एंड आउटग्रेस में कोई इश्यू इसमें नहीं आने वाला है। ड्यूअल शेड में इसका इंटीरियर दिया गया, जिसमें बर्गंडी एंड ब्लैक कलर की फिनिश दी गई है। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल ये यूज़ किया गया है, कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है यहाँ पे, चारों पावर विंडो के कंट्रोल और क्रोम फिनिश में इसका डोर हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं ORVM के, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको मिल जाते हैं। कुछ पियानो ब्लैक इंसर्ट दी गई है। यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाता है आपको, और उसके अलावा भी कुछ स्टोरेज स्पेस है। और यहाँ पे दिया गया है अम्ब्रेला को रखने के लिए एक स्पेस, जिसमें छोटे साइज का अम्ब्रेला आप रख सकते हैं। JBL का म्यूजिक सिस्टम इसमें मिल जाता है, JBL की बैजिंग आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाती हैं, ये 6-way एडजस्टेबल सीट्स हैं। यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड सीट जो है आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है इस वेरियंट में। अब बैठते हैं कार के अंदर और इसका इंटीरियर चेक कर लेते हैं। काफ़ी प्रीमियम आपको इसका इंटीरियर मिल जाता है। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग व्हील देख लेते हैं हम, जस्ट अ मिनट। तो इसका स्टीयरिंग व्हील हमें डी कट में मिल जाता है और लेदर रैपिंग इस पर दी गई है बर्गंडी एंड ब्लैक कलर में। ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है यहाँ पे पार्ट, और ये इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिल जाता है। फिंगरप्रिंट मैग्नेट ज़रूर है ये वाला पार्ट, तो आप माइक्रोफाइबर क्लोथ ज़रूर रखिएगा अपनी कार में इसको क्लीन रखने के लिए। यहाँ पे हमें कंट्रोल मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए बटन, और इसमें एडास भी हमें मिल जाता है, लेन असिस्ट का फीचर यहाँ पर दिया गया है। और इधर हमें कंट्रोल मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉइस कमांड के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इधर मिल जाता है हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ पे हमें वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर इसमें मिल जाता है हमें, और ऑटो हेडलैम्प के कंट्रोल इधर मिल जाते हैं। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें मिल जाता है, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें मिल जाता है आपको, और काफ़ी अच्छा इसका डिस्प्ले क्वालिटी है। इसमें अगर आप नेविगेशन चलाते हैं तो यहाँ पे मैप का भी ऑप्शन दिया गया है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। हमें मिल जाती है 12.25 इंच की ये टच स्क्रीन, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है इसका। इसमें आपको सारे मॉडर्न फीचर्स लाइक वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब मिलता है। उसके अलावा आप इसमें ऐप्स लाइक अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार भी डाउनलोड कर सकते हैं और कार पार्क करके उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। इन्फोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे आपको दो AC वेंट्स मिल जाते हैं, और AC वेंट्स के आसपास आप देखेंगे 3D टेक्सचर दिया गया है डैशबोर्ड में, ऑल ओवर द डैशबोर्ड। और एम्बिएंट लाइटिंग भी पूरे फ्रंट में आप देख सकते हैं रन कर रही है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसके कलर। और सॉफ्ट टच मटेरियल भी यहाँ पे यूज़ किया गया है बर्गंडी कलर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं AC के कंट्रोल, जो कि कैपेसिटिव टच बटन्स दिए गए हैं मोस्टली, दो बटन्स को छोड़ के। मूविंग ऑन हमें ये मैनुअल गियर लीवर मिल जाता है। इसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी। यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का सॉकेट, एक USB टाइप ए और एक USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाता है, और इधर एक ये नॉब दी गई है जिससे आप ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हैं अपना। और जैसे ही आप ड्राइविंग मोड चेंज करते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है इसमें। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इस कार में हमें मिल जाती है पैनोरामिक सनरूफ, जिसको ओपन करने का बहुत ही एयरी फील आती है कार में। और लेग रूम एंड नी रूम बहुत ही अमेजिंग मिल जाता है अकॉर्डिंग टू माय हाइट। बीच में यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं और चार्जिंग के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। हमें दो पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, और मिड में यहाँ आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स इसमें मिल जाते हैं, और 3-point seat belts तीनों ही पैसेंजर के लिए अवेलेबल हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो टाटा कर्व डीजल मैनुअल टॉप वेरिएंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू हिट दैट लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और अगर आप चाहते हैं अपनी कार का लॉन्ग टर्म रिव्यू हमें देना, तो दी गई मेल ID पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।